बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली का, मेरी बहनों का। आज के व्लॉग जो है आप लोगों को बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। उसकी बहुत रीज़न है कि मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था, और फिर उसके बाद रमज़ान की मसरूफियात भी थी, मोबाइल फिर आ भी गया, तो उसके बाद मसरूफियात की वजह से, और रमज़ान में आपको पता है कि कितनी मसरूफियत होती है, बच्चों का साथ, फिर इबादतें, ये सब, तो इस वजह से जो है व्लॉग जो है आज इतने दिन के बाद आया है। और ये व्लॉग जो है आपको नज़र आ रहा है, इसका जो बैकग्राउंड में आपको जो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, ये सब हम अभी इस पे गए थे अफ्तार पे, और अफ्तार क्या रोज़ा खुशाई थी, और बर्थडे भी थी, बर्थडे सेलिब्रेशन थी और रोज़ा खुशाई थी मेरे ससुराल में। तो वहाँ हम गए थे मेरे शौहर के कज़न के बेटे की, तो उसकी ये सारे आपको जी पीछे जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ये सब वो है। और वहाँ पे सकीना ने, मिनसा ने बहुत इन्जॉय किया, दोनों ने सेम ड्रेसिंग की थी, फ़्रॉक्स पहनी थी। मैं दिखाना चाह रही थी यहाँ पर ड्रेस स्टेप डली में फ़्रॉक में, लेकिन जो है सकीना मिनसा को डाल ही नहीं रही थी। मैं कह रही थी मुझे दे दो, पूरी पक्की अम्मा लग रही हो, लेकिन उसने नहीं दिया मुझे, तो उसका ड्रेस नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ना बच्चे, ये गेम शो चल रहे हैं यहाँ पे, मैजिक शो, और बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ज़रा आप भी देखिएगा, शरारती बच्चा चले, आपका नाम बेटा अलीजन, ये बताओ सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? तो बस यहाँ पे जो नहीं चल रहा था बच्चों का फ़न, यहाँ पे मैजिक ये दिखा रहे थे, बच्चे यहाँ से इंटरटेन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे सब। यहाँ पर यहाँ मुर्तज़ा जो है वो भी अपने कज़न्स के साथ घूम रहा है, सकीना मिनसा को लेके पकड़ के बैठी हुई, जकड़ के मुझे दे नहीं रही है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो इन्जॉयमेंट बहुत की, बच्चों ने ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। बाकी ये कि बस बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और आप लोगों को बस मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ रमज़ान में, कि रमज़ान में आप लोग एक दूसरे से, हम ये पूछते हैं जहाँ मिलते हैं, कहीं गैदरिंग हो या कोई इवेंट हो, रोज़ा है, रोज़ा है, सब एक दूसरे से पूछते हैं आपका रोज़ा है, आपका रोज़ा है। तो हमें ये पूछने की क्या ज़रूरत है किसी से कि आपका रोज़ा है या नहीं, ये अल्लाह का मामला है। क्योंकि देखें, अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा, जो कि किसी भी मजबूरी के तहत हो सकता है, कि इंसान की कोई भी मजबूरी हो सकती है, उसके तहत उसने ना रखा, लेकिन फिर वो शेम में क्या झूठ बोलना पड़ता है, उसको एक और गुनाह करना पड़ता है कि झूठ बोलता है वो कि नहीं मेरा रोज़ा है। तो इस तरह ये एक झूठ बोल के वो गुनाह कर रहा होता है, क्योंकि उसको शेम फील हो रही होती है ना। तो हम ऐसे सवाल ही ना करें ना कि दूसरे को शेम फील करना पड़े और झूठ बोलना पड़े, क्योंकि ये और इंसान और का और अल्लाह का मामला है। रोज़ा और नमाज ये सब ये अल्लाह का मामला है और इंसान का मामला है। हम हमेशा वो सवालात लोगों से करते हैं कि जो अल्लाह और इंसान का मामला है, जबकि हमें वो सवाल करने चाहिए जो इंसान को इंसान से पूछने चाहिए, जो इंसान को इंसान से पूछने चाहिए। हम वो सवाल कभी नहीं करते, जैसे कि हम कभी नहीं पूछते किसी से कि कोई आपसे मिलता है, आपका फ्रेंड्स या फैमिली रिश्तेदार, कि आपके घर में हालात ठीक है, आपके घर में कुछ खाने को भी है, पड़ोसियों से पूछ लें,
कि उनके आप हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि पड़ोसियों का हम ख्याल रखें या इस बात की खबर रखें कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं। लेकिन हम वो सवाल कभी किसी से नहीं करते जो इंसान को इंसान से करने चाहिए कि भाई तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारे पास खाने को है, कैसी गुजर रही है, सहरी अफ्तारी में जो है खाना मौजूद है घर में या नहीं है। हम वो सवाल हमेशा करते हैं कि जो खुदा ने बंदे से करने, ये सवाल खुदा ने करने बंदे से कि रोज़ा रखा था या नहीं रखा था, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, हज किया था नहीं किया था, ज़कात अदा की थी नहीं की थी, खुम्स अदा किया था नहीं किया था, हमें वो सवाल करने चाहिए जो बंदे को बंदे से करने चाहिए, ना कि वो हम सवाल करें कि जो अल्लाह ने बंदे से करने हैं। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आपको देना चाह रही थी इस वीडियो के ज़रिए। और बाकी है कि यहाँ पे बैकग्राउंड में सब ये वीडियो चल रही है और सब यहाँ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बस यहाँ इससे हम पार्टी वार्टी से जो है चल रही थी इस तरह से कि हमने जाते ही एक तो इतना लेट पहुँचे थे हम, एज़ यूजुअल हर जगह लेट पहुँचते हैं, तो वहाँ जाके अफ्तार था जो कि पहले रिफ़्रेशमेंट लगता है वो हम लोगों ने किया, और उसके बाद ये इन्होंने गैप दिया था यहाँ पे कि यहाँ पर मैजिक शो हो जाए, उसके बाद फिर खाना लगे, बच्चे इंटरटेन हो जाएँ, और वरना फिर ये होता है ना कि खाना लगा दिया तो फिर बस खाना खा के सब फारिग होकर वापस घरों की तरफ चले जाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से किया कि पहले अफ्तार था, फिर उसके बाद बीच में गैप दिया था, उसके बाद खाना लगाया, जबकि हम घरों में, हमारे घर में तो ये होता है कि हम बस जो भी बनाया है खाना बनाओ, अफ्तार बनाओ, जो भी बनाया वो उसी के साथ साथ नहीं खा लिया अफ्तार के टाइम पे जो भी आपको खाना है, ऐसा नहीं होता है या मैं किसी दिन अफ्तार बनाती हूँ तो फिर अफ्तार होता है, अगर खाना बना लिया तो फिर खाना है खाली, तो मतलब इस तरह डबल डबल नहीं हो पाता कि अफ्तार भी हो और फिर खाना भी हो। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस महंगाई में ना अगर आपके दस्तरखान पर एक खाना भी अगर मौजूद है ना, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये भी अगर इज्जत से दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त जो है चीज़ों को मैनेज करना सब चीज़ों को और इतना ज़्यादा खर्च करना मुमकिन नहीं है। तो बस यहाँ पे ये अभी केक कटिंग का टाइम आ गया था, हम सब वेट कर रहे थे खाने का, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ा खोलने के बाद ना हालत हो जाती है बिल्कुल ही बैंड और बेहाल हो जाता है इंसान, तो बस दिल चाहता है बिस्तर हो, नमाज पढ़ें, बिस्तर पर जाएँ या चाय वाय पिए, सुकून से लेटें बस। लेकिन हम यहाँ बैठे थे वेट कर रहे थे कि खाना लगे, केक कट हुआ, उसके बाद केक कटिंग के बाद यहाँ खाना लग गया था। मैं यहाँ पर अपनी प्लेट बना रही थी खाने के लिए और सकीना को मैंने मिनसा को जो है मैंने सकीना को दिया था, क्योंकि मिनसा जो है ना वो किसी के पास भी नहीं जाती, कहीं पे भी इवेंट में हो या तो मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास ही जाती है, मेरे पास या सकीना के पास या उसके बाबा के पास, लेकिन बाबा तो ऑब्वियसली नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सेपरेशन में होते हैं, मतलब जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग होता है सिस्टम, तो बाबा वहाँ जेंट्स में होते हैं उसके और हम लेडीज़ में होते हैं, तो इसको मैंने सकीना को पकड़ाया था इसको, और मैं सकीना की भी प्लेट लेने गई थी और अपनी भी मैं अपने लिए बिरयानी ले रही थी, क्योंकि आई एम ऑलवेज बिरयानी लवर और हमेशा मैं चाह कहीं पे कुछ भी हो अच्छे से अच्छा भी खाना हो मैंने लेनी है तो बिरयानी है, बिरयानी नहीं तो राइस में जो भी अवेलेबल हो वो मैंने लेना होता है। और फिर मैं अपनी प्लेट देकर आई सकीना को, सकीना प्लेट रखवा कर आई थी और फिर इसके बाद आई हूँ मैं अब ये सकीना की प्लेट बनाने के लिए। इसने कहा था कि मम्मा मुझे ना टिक्का खाना है, क्योंकि ये थोड़ा ना राइस इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, और अच्छी बात है वैसे राइस इतना पसंद होने भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके कोई फ़ायदे नहीं है। मैं ये सकीना के लिए फिर यहाँ टिक्का लेने आई थी, ये मैंने ये सकीना की प्लेट है और ये है मेरी प्लेट बिरयानी की और सकीना की प्लेट उसकी। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।